हेलो स्टूडेंट्स, आई एम टीपी दुबे फ्रॉम मास्टरमाइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पिपरिया। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू योर इंग्लिश रीडर चैप्टर 6। द नेम ऑफ चैप्टर 6 इज द एंट एंड द ग्रास हॉपर। स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? Generally, there are two, insects. There are two insects. One is ant and the other is the grasshopper. What do you think the grasshopper is doing? Students, now you are looking at the picture and looking the grasshopper's action. What is the grasshopper doing? So grasshopper is playing guitar, What season of the year is it? What is the season? So you have to think over the question. And do you think the ant and the grasshopper are friends? So I think they cannot be. Students, let's begin the chapter 6 and you get ready to tally it. बच्चों, मैं आज आपको आपकी इंग्लिश रीडर का चैप्टर 6 जो है द एंट एंड द ग्रासहॉपर समझाने जा रहा हूं। आपको ध्यान देना है। एंट माने चींटी होता है और ग्रासहॉपर माने चिड्डा होता है। ग्रास हॉपर माने घास में कूदने वाला, चलने वाला, रहने वाला एक चिड्डा होता है, ग्रास हॉपर। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द चैप्टर 6। वंस देयर लिव्ड एन एंट एंड ए ग्रास हॉपर इन अ ग्रीन ग्रासी मीडो। एक बार की बात है, एक चींटी और एक चिड्डा ग्रास हॉपर घास के मैदान में रहा करते थे। ऑल डे लॉन्ग द एंट वुड वर्क हार्ड कलेक्टिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट, राइस एंड स्टोरिंग देम केयरफुली इन हर लार्डर। और चींटी सारे दिन कठिन परिश्रम किया करती थी, सारे दिन गेहूं के दाने, चावल के दाने इकट्ठे किया करती थी और उन्हें एक जगह एक अलमारी में रखा करती थी। द ग्रास हॉपर वुड सी हर वर्किंग हार्ड एंड लाफ। बच्चों, ग्रास हॉपर जो था वो चींटी को काम करते देखता था तो हंसता था और कहता था, व्हाई डू यू वर्क सो हार्ड। कहता था कि तुम इतना कठिन काम क्यों करती हो। He would say, enjoy yourself. और कहता था कि अरे enjoy करो, enjoy माने आनंद बनाओ। Listen to my songs, और मेरे गानों को सुनो। वो गीत गाया करता था। Summer is here, the days are bright. Why are you wasting these lovely days in labor and toil? और वो कहता था, क्यों समय बर्बाद कर रही हो चींटी, मैं गा रहा हूं, तुम सुनो, अपना समय बर्बाद मत करो, श्रम बर्बाद मत करो, परिश्रम बर्बाद मत करो। द एंट वुड इग्नोर हिम एंड हरी टू ए फील्ड अ लिटिल फास्टर। और चींटी उसको इग्नोर कर देती थी, उसको ध्यान नहीं देती थी और अपने काम पर लग जाती थी। दिस वुड मेक द ग्रास ऑपर लाफ इवन लाउडर। और ये देखकर ग्रास ऑपर बच्चों और ज्यादा हंसता था। हाउ सिली यू आर माई फ्रेंड, द ग्रास ऑपर वुड से। और वो कहता था, माई फ्रेंड, तुम कितनी मूर्ख हो, कितनी सिली हो। बट द एंट पेड नो अटेंशन टू हिम। लेकिन चींटी इस बात पर ध्यान नहीं देती थी। Soon it became cold, winter had come.
और फिर कुछ ही समय बाद बच्चों शीत ऋतु आ गई। द डेज बिकेम शॉर्ट एंड कोल्ड, दिन बहुत ठंडे और छोटे होने लगे। द ग्रास ओपर डिड नॉट फील लाइक सिंगिंग एनी मोर, अब ग्रास ओपर गाना नहीं चाहता था। ही वाज कोल्ड एंड हंग्री, ग्रास ओपर को भी बच्चों ठंड लग गई और वो भूखा हो गया। ही हैड नो हाउस एंड नो फूड, उसके पास ही हैड नो हाउस एंड नो फूड, उसके पास ना तो घर था ना उसके पास भोजन था। द मीडोज वर कवर्ड विद स्नो, और जो घास का मैदान था वो भी बर्फ से ढक चुका था। वो व्हाट शैल आई डू, वेयर शैल आई गो, क्राइड द ग्रास ओपर, और ग्रास ओपर कहने लगा कि अरे अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, ऐसा उसने कहा। ही रिमेंबर्ड द आंट एंड डिसाइडेड टू गो टू हर, और उसने जब उसे चींटी की याद आई तो वो चींटी के घर गया, उसने निश्चय किया कि उसके घर जाएगा। सो ऑफ ही रेन टू द आंट्स हाउस एंड नॉक एट द डोर, और वो चींटी के घर गया और दरवाजा खटखटाया उसने और कहा, हेलो डियर फ्रेंड, आई हैव कम टू सिंग फॉर यू, व्हाई डोंट यू इनवाइट मी इनसाइड एंड ऑफर मी फूड एंड अ प्लेस बिसाइड द फायर। और बच्चों ग्रास ओपर ने कहा कि चींटी से कि अरे फ्रेंड, तुम मुझे गीत गाने के लिए क्यों नहीं बुलाती हो अंदर, मुझे अंदर बुलाओ, मुझे भोजन दो और मुझे आगे के पास बैठने को कहो। द आंट स्माइल्ड एंड सेड, और फिर चींटी बच्चों मुस्कुराती है, चींटी क्या करती है, मुस्कुराती है और कहती है, आई वर्कड ऑल समर लॉन्ग वाइल यू मेड फन ऑफ मी एंड शैंग एंड डांस, मैंने सारी गर्मी भर पूरी गर्म ग्रीष्म ऋतु में कड़ी मेहनत की है और तुमने मेरा मजाक उड़ाया है और नाचा है। यू शुड हैव थॉट ऑफ दीज कोल्ड विंटर मंथ, देन आई हैव नो प्लेस फॉर यू इन माई हाउस एंड नो फूड फॉर यू, और कहा चींटी ने उससे कि तुम्हें शीत ऋतु के इन महीनों का आभास नहीं था क्या, क्यों नहीं सोचा उस समय में, और फिर कहा कि जाओ, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही मेरे पास कोई भोजन है। आई हैव नो प्लेस फॉर यू इन माई हाउस एंड नो फूड फॉर यू, मेरे पास ना तो जगह है और ना भोजन है। Saying this, the aunt shut the door, leaving the grasshopper outside in the cold. और बच्चों ऐसा कहकर चींटी ने दरवाजा लगा लिया और जो grasshopper था वो घर के बाहर खड़ा रह गया और देखता रहा। Students, that's all for today. All the best.